बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अब हर कोई स्तब्ध है कि आखिर केकी के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या। कोलकाता में एक कॉन्सर्ट चल रहा था और कॉन्सर्ट के बाद उनकी अचानक मौत हो जाती है। वो असहज तो नजर आते हैं कॉन्सर्ट के दरमियान, लेकिन मौत की जो प्रारंभिक वजह बताई जा रही है वो हार्ट अटैक है। दक्षिण भारत के चर्चित एक्टर केके कृष्ण कुमार कुन्नाथ, और अगर इससे पहले अगर हम बात करें तो असम में जो मौत हुई इससे पहले वो आप देख सकते हैं पुनीत राजकुमार की, कुछ इसी तरह से उनका निधन हुआ था। 46 साल की उम्र में उनको भी हार्ट अटैक आया था, जैसे अभी केके के लिए भी कहा जा रहा है। चर्चित एक्टर थे, जैसे ये समाज में इनका बड़ा नाम था क्योंकि सामाजिक कार्य बहुत ज्यादा करते थे ये। कुछ उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिग बॉस में रहे, 40 साल की उम्र में उनका भी निधन हो गया, उनको भी हार्ट अटैक की वजह से उनका भी बताया जाता है कि निधन हुआ। 2 सितंबर को उनका निधन हुआ, रात को सोए हुए थे लेकिन नींद में ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद अगर हम अमित मिश्र की बात करें, 23 अप्रैल 2021 को हार्ट अटैक की वजह से अमित का भी निधन हो गया और अब केके इस सूची में जुड़ गए। हालांकि कल रात से लेकर अब तक बहुत सारी थ्योरी सामने आई, कोई गड़बड़ी कह रहा है तो कोई कह रहा है कि वहां पर बद इंतजामी की वजह से मौत हुई, तो कोई कह रहा नहीं हार्ट अटैक की वजह से ही मौत हुई होगी। हालांकि पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है, रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। एक शानदार गायक, एक बेहतरीन इंसान, इस तरह चंद सेकंडों में दुनिया छोड़ गया। चाहने जानने और पहचानने वालों के लिए ये वाक्या ऐसा सदमा है जिससे उबरना मुश्किल है। मौत की वजह क्या रही? इसने असामान्य मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक केके के चेहरे और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। शिनाख्त के दौरान ये निशान देखने पर कोलकाता पुलिस का शक गहरा गया। मौत की वजह तय करने के लिए कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिस होटल में केके ठहरे थे पुलिस वहां के स्टाफ से पूछताछ की तैयारी में है। इसके अलावा शो के आयोजकों से भी कोलकाता पुलिस सवाल जवाब कर रही है। असामान्य मौत का मामला दर्ज किया गया है कोलकाता पुलिस की ओर से न्यू मार्केट थाने के अंतर्गत, क्योंकि जिस होटल में केके ठहरे हुए थे, जहां पर वो कॉन्सर्ट के बाद गए और वहां पर गिरकर बेहोश हो गए, वो न्यू मार्केट थाने के अंतर्गत आता है। तो और जब उनको अस्पताल लाया गया तो वो मृत थे, ऑलरेडी मृत पहुंचे अस्पताल में। तो इसीलिए अननेचुरल डेथ, अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनके होंठ पर और सिर पर हल्का चोट का निशान है, तो हो सकता है वो गिरने से भी हुआ हो। तो आकर अभी हमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने ना आ जाए, क्योंकि कल भी डॉक्टरों ने हालांकि आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा था, लेकिन जब उनसे बात की गई थी ऑफ रिकॉर्ड तो उन्होंने कहा था कि ये कार्डियक अरेस्ट का हार्ट अटैक का मामला लग रहा है। पुलिस को सबसे ज्यादा शक शव के सिर पर चोट के निशानों को लेकर है। ये निशान किस तरह के हैं इस पर पुलिस ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। गड़बड़ी के अलावा केके की मौत के पीछे लापरवाही का एंगल भी सामने आ रहा है। ये सवाल उठाया है बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने। दिलीप घोष के मुताबिक कॉन्सर्ट में क्षमता से ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। घोष का ये भी आरोप है कि शो के दौरान एसी बंद था। घोष के मुताबिक इन्हीं सब लापरवाहियों और अफरा तफरी के चलते केके की तबीयत बिगड़ी। घटना घटे एखानकार पुलिस प्रशासन कोनो विख्यात व्यक्ति सेलिब्रिटी विशेष करे एले साधारण मानुषेर मध्ये एकटा उन्मादना थाके, अव्यवस्था तैरि हय, किन्तु सेटा देखार जन्य प्रशासनेर दायित्व थाका उचित। दिलीप घोष के आरोपों को ताकत मिल रही है इन तस्वीरों से। साफ दिख रहा है कि शो के दौरान भीड़ में कुछ लोगों ने धुआं फैला दिया। ऐसे माहौल में अगर एसी भी बंद था तो गर्मी और धुएं का मिला जुला असर किसी की भी तबीयत बिगाड़ सकता है। शो के दौरान केके बार बार पसीना पोंछते दिख रहे थे, लेकिन कोलकाता की उमस वाली गर्मी में इतनी भीड़ के बीच पसीना आना कोई असामान्य बात नहीं है। बहरहाल केके की मौत को लेकर कई थ्योरी दी जा रही हैं, लेकिन दारोमदार कोलकाता पुलिस और डॉक्टरों की टीम पर है। उम्मीद है मौत का सच जल्द बाहर आएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।